पता नहीं है जी, रहो शांत रहो। जॉर्ज साहब के साथ हम सब लोग गए थे जेल में, आपको पता नहीं है, उनकी पत्नी से पूछ लीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। बाबू कुंवर सिंह की जयंती को स्वाभिमान दिवस के रूप में पटना में मनाया जा रहा है। इस आयोजन में सीएम नीतीश कुमार भी पहुंचे। सीएम नीतीश कुमार ने जैसे ही जनता को संबोधित करने के लिए मंच पर चढ़े, उसी समय जनता के बीच से ये आवाज आने लगी कि आनंद मोहन को रिहा करो। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने जनता को रोकने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि आप लोग चुप रहिए, बैठ जाइए। आप सुन सकते हैं कि सीएम नीतीश कुमार उसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं। तो कुछ पता नहीं है जी, रहो शांत रहो। आपको पता नहीं है, उनकी पत्नी से पूछ लीजिएगा कि हम क्या कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ जानते ही नहीं हो। अब 20 में भी यहां नारा लगा रहे थे, छोड़ो ना इसके लिए। अब जो भी है हम तो इसके लिए चुप बैठो, शांत रहो, बैठो रहो। ये सब की चिंता मत करो। और आप लोगों को मालूम नहीं है राजनीति में वो जो भी करें, और जब उनकी गिरफ्तारी हुई, जॉर्ज साहब के साथ हम सब लोग गए थे जेल में, और आप सब लोगों को मालूम है हम भी गए थे, और यहीं पर है बैठे हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी हैं, और हम लोगों की तो शुभकामना रही है ना जी। हम तो कभी नहीं चाहते, हम तो इतना बार सबको कह रहे हैं, तो इसलिए ये सब चिंता मत करिए, हम लगे हुए हैं जी। अब ये सब बात काहे के लिए करते रहते हो, शांत रहो। ये सब बात को बोलने की कोई जरूरत नहीं, बोलोगे तो हल्ला होगा कि आप लोग क्योंकि मांग कर रहे हो इसीलिए हो रहा है। ये सब बात मत करिएगा, ये सब सोचना नहीं चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आप लोग बैठ जाइए, आप लोग नहीं जानते हैं, उनकी पत्नी से आप लोग पूछिए, वो सब कुछ जानते हैं। हमारी शुभकामना उनके साथ है, हमारा प्रयास जारी है, हम क्या कर रहे हैं ये आप लोगों को अभी पता नहीं है, समय आने पर आप लोगों को सब कुछ पता चलेगा। और ये सारा कुछ उन्होंने कहा आनंद मोहन सिंह के बारे में, चूंकि आनंद मोहन सिंह डीएम हत्याकांड के मामले में अभी जेल में है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अपनी बेटी की सगाई के मौके पर वो पैरोल पर बाहर आए थे, बेटी की सगाई के बाद वो फिर से जेल में चले गए हैं, और उनके समर्थकों के द्वारा अभी सीएम नीतीश कुमार के सामने नारे लगाया जाने लगा, और उसके बाद उनसे मांग किया जाने लगा कि आनंद मोहन सिंह को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें आश्वासन दिया कि आप लोग शांत रहें, इंतजार करें समय का, हम लोग प्रयासरत हैं। इन्हीं बातों के साथ अब तक के लिए बस यही तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए, धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।